यहाँ पर हमारा दम घुटता है, हम किस तरह बैठे हैं। अगर नीचे फैमिली कोई अननोन बैठी है, लेडीज बैठी हैं, ऐसा होना चाहिए कि ऊपर इतनी जगह हो कि आपका एटलीस्ट सर ना ऊपर छत से न थकान। और जी जी जैसे तवे में रोटी जी जी क्या कह रहे हैं आप, बिल्कुल भी कंफर्टेबल स्पेस पर ये आई है कि 150 कोचेस एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास इसी तर्ज पर बनानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिट्टू आज की एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर, और आप देख रहे हैं मिस्टर फिट्टू। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे जंक्शन पर और 5 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को कवर करूँगा। और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की जो कोचेज हैं एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास, इन कोचेज में एक मसला है, एक इशू है, मैं उस बारे में वीडियो बना रहा हूं आज और आवाज़ उठाऊंगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान रेलवे ने तकरीबन इस मयार की 150 कोचेस तैयार करनी है इस्लामाबाद में, और मैं चाहता हूं कि काफ़ी अरसे से मुसाफिर भी उस मसले का इजहार कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और जैसे ही वीडियो ये बनेगी तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और ये वीडियो अगर यूट्यूबर्स मेरे भाई देख रहे हैं तो काइंडली आप भी जब भी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में ट्रैवल करें या मेरी ही तरह आप रिव्यू करें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का, और इस टॉपिक पर आप भी आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में जो कोचेज़ इस मयार की तैयार होंगी पाकिस्तान में, और जो इशू है अभी थोड़ी देर में 5 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आएगी, कोचेस में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उन मुसाफिरों से बात करूं जिन्होंने कराची से लेकर लाहौर तक कोचेस में सफ़र किया है, और उनसे पूछने की कोशिश करूं, क्योंकि कमेंट्स में तो मुसाफिर बताते हैं कि हमें बहुत मुश्किल पेश आई है। तो मैं चाहता हूँ कि उस इशू को हाईलाइट करूं आज की डेट में, और वीडियो आपने देखनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और सफ़र भी आने वाले टाइम में मुसाफिरों ने ही इन कोचेज़ में करना है। तो मिलो मेरे फैंस के साथ में, तैयब अली का ताल्लुक़ है फैसलाबाद से, और जैन राणा का ताल्लुक़ है झंग से, और इसके साथ एक और भाई इनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से, हाफ़िज़ अली। और इसी तरह पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं, अपनी प्यारी सी पिक्चर मुझे भेज दें, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का जो लिंक है वो भी मौजूद है, और पिक्चर अपनी भेजें प्यारी सी। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिट्टू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो 5 का अराइवल देखते हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस लाहौर रेलवे जंक्शन तशरीफ ला चुकी है, और GU409001 इसकी कर रहा है क़यादत आज की डेट में कराची से लेकर लाहौर तक। और अब से कुछ ही देर में गाड़ी स्टिल होगी यहाँ पर और मुसाफिर उतरेंगे, तो फिर मैं कोचेज़ में जाकर जो इशू है वो हाईलाइट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। और माशाल्लाह मुसाफिरों की काफ़ी अच्छी तादाद गाड़ी में सवार है। ये एक्स्ट्रा एसी बिजनेस मौजूद है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में, एक्स्ट्रा कोच है ये।
मुसाफरों ने इस तरीके से अपना जो सामान है वो दीवार के ऊपर चढ़कर निकालना शुरू कर दिया कोचेज में से। ये देखें, गर्मी दोस्तों शदीद है और यहाँ से हम चलते हैं अंदर और कूलिंग भी शदीद है। ये लाहौर कोटा और जो मसला जिस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो मसला ये वाला, कराची से लाहौर तक या लाहौर से इस्लामाबाद तक जब से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस चली है ये कोचेस ऑपरेशनल हुई हैं और यहाँ पर जो बैठता है या सफ़र करता है तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो वो कहता है कि मेरा यहाँ पर खसूसी इकोनॉमी क्लास में यहाँ पर हमारा दम घुटता है, हम किस तरह बैठे हैं। अगर नीचे फैमिली कोई अननोन बैठी है, लेडीज़ बैठी हैं, तो मुसाफरों का गिला है कि हम किस तरह यहाँ पर बैठे हैं। ये गाड़ी ज़्यादातर मुकम्मल फुल भी होती है तो इस वजह से ऊपर वाली जो बर्थ होती है तो यहाँ पर मुसाफरों को, जेंट्स को बैठने में प्रॉब्लम होती है और ठीक से बैठा नहीं जाता, हेड जो है वो ठीक से ऊपर नहीं होता। तो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की जो एसी स्टैंडर्ड है मैं कहता हूँ कि सबसे ज़बरदस्त ये क्लास है। इसका जो एसी है, कूलिंग है, परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले, बल्कि कुछ दिनों पहले एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की सबसे जो ज़बरदस्त क्लास है वो कौन सी है, तो वो एसी स्टैंडर्ड ही है। लेकिन आज जो इशू मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है इन बर्थों का, और इकोनॉमी क्लास में भी चलता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे हम जाएंगे और मुसाफरों से पूछने की कोशिश करेंगे कि खुसूसी जिसने सफ़र किया होगा ये ऊपर वाली बर्थ पर बैठकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ऊपर वाले बर्थ हैं ये इशू है और मैं इस टॉपिक पर आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे ने ख़बर ये आई है कि 150 कोचेस एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास इसी तर्ज पर बनानी है, इसी की कॉपी करनी है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि इन कोचेस की जो ऊपर वाली बर्थें हैं उनका जो स्पेस है वो सीएफआई कोचेस की तरह किया जाए। थोड़ा सा डी शेप में सीएफआई कोचेस की तरह अगर इसकी शेप ऊपर छत वाली साइड से बना दी जाए तो दरमियान में होकर जो मुसाफिर है वो बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये जो कोच है ये कोटा है, ये इस्लामाबाद जाएगा और कराची से आ रहा है ये। और ये देखें, ये वो मेजर इशू है। अब जिसने कराची से लेकर लाहौर तक ट्रैवल करना है और लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, तो नीचे फैमिली मौजूद है। अब ये जेंट्स हैं तो इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा सफ़र हो रहा है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? कंफर्टेबल हैं आप यहाँ पर? और कब से आप इस तरह बैठे हुए हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं? लेट सकते हैं, बैठ नहीं सकते यार, बैठ नहीं सकते, गाड़ी रुकी है। और रिसेंटली पाकिस्तान रेलवे ने ये सेम इन्हीं कोचेस की कॉपी करनी है, तो आप क्या सुजेस्ट करना चाहते हैं? अगर ये डी शेप में हो जाए, थोड़ा सा सीएफआई कोच की तरह, अगर ये डी शेप में हो जाए, तकरीबन सेंटर में एक जो मुसाफिर ऊपर ट्रैवल कर रहा है उसका थोड़ा सा जो सर है वो ऊपर हो जाएगा, जरा अप हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, ताकि जो नीचे फैमिली लेडीज वगैरह वो परेशान नहीं होंगी, ना ही मुसाफिर ऊपर, सिंगल जेंट्स मेल। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि ऊपर इतनी जगह हो कि आपका एटलीस्ट सर ना ऊपर छत से ना टकरा जी। अगर आप नीचे वाली बर्थें भी देखें ना, जी जी, नीचे वाली बर्थ में भी अगर मिडिल बर्थ आप खोलते हैं तो वो बंदा बैठ नहीं सकता, वो लेट सकता है, सिर्फ लेट सकता है। तो खसूसी रात के टाइम, क्योंकि ये लॉन्ग रूट ट्रेन है, रात के टाइम ज़्यादा इशू आता है, इंसान यहाँ तो लेट जाए लेटा रहे, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट
पैसेंजर्स हैं उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये देखें यहाँ पर ना लेटा जाता ना बैठा जाता है, तो आप इस पर वीडियो बनाएं, तो इस वजह से सही कह रहा। खैर हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो कोचेस तैयार हों, क्योंकि मुसाफरों ने सफ़र करना है, तो ये सहूलत मिलनी चाहिए CFI वाले। इसके अलावा नॉर्मल बंदा भी अगर लेटे से उठेगा ना नीचे, जी उसका सर टकराएगा, वो नहीं उठ सकता। फैमिली जा रही है, 6 लोग जा रहे हैं, जी वो आराम से नहीं बैठ सकते। सबसे नीचे वाला उठेगा उसका सर टकराएगा, ऊपर वाले तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, मिडिल वाला नहीं बैठ सकता, ऊपर वाला आपको दिख रहा है। मैं ऐसे लगता सर। ओके जी, शुक्रिया बहुत। ये डिफिकल्ट ट्रैवल है, एक चैलेंज है। अच्छा काम कर रहे हैं आपको, इंसान बस उन्होंने कहा कि लेट सकता है बैठ नहीं सकता, तो ये चाइनीज ने इस तरह से पता नहीं क्या सोच कर इन कोचेस को डिजाइन किया, उन्होंने अपनी हाइट के हिसाब से शायद बनाया। जी 5.5 फुट के। ओके जी, शुक्रिया सर। तो दोस्तों इकोनॉमी क्लास में चलते हैं और वहाँ पर भी किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों इकोनॉमी क्लास ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की, और ये जो डिस्टेंस है ये देख सकते हैं इकोनॉमी क्लास में भी, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो मसला है AC स्टैंडर्ड में तो मैनेज हो जाता है, लेकिन इकोनॉमी क्लास में इस गर्मी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और ये देख लें जितनी भी ऊपर बढ़ते हैं ये खाली हैं, क्योंकि यहाँ पर लेट तो सकता है लेकिन जिसकी एज ज़्यादा नहीं है, जवान है, वो यहाँ पर गुजारा कर सकता है, लेकिन ओल्ड एज जो मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर इस गर्मी के मौसम में इतनी सी स्पेस में बैठकर जो ट्रैवल है वो नहीं कर सकते। तो दो इकोनॉमी क्लास कोचेस हैं, एक ये है और एक मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और AC स्टैंडर्ड की तरह अब यहाँ पर मुझे कोई बैठा ऊपर नज़र तो नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बात करता उससे। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, कैसी तबीयत है, कैसा जा रहा काम? अच्छा, ज़बरदस्त है, चले मुसाफिर। अच्छा जी, हमारी ड्यूटी रेस्टोरेंट पे होती है। जी जी, हम इधर अच्छा अच्छा गाड़ी खड़ी है, तब तक हम। तो आपकी ड्यूटी? ड्यूटी हमारी होनी है, हम मिशन में होते हैं। जी जी, जब आए जब चले जाए। सही सर। तो ये भाई आराम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लेट सकते हैं, बैठ नहीं सकते यहाँ पर, और ये मुसाफिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आप यहीं पर सफ़र कर रहे हैं? तो आप में से किसी ने ये ऊपर वाली बर्थ का स्वाद चखा है, मतलब कि लेट कर बैठा तो जाता नहीं, और बैठने की किसने कोशिश की है? हैड आपका अब तो नहीं हुआ होगा, बिल्कुल थकान और जी जी जैसे तवे में रोटी। जी जी, क्या कह रहे हैं आप, बैठ जाएं। तो आज मेरी वीडियो है पाकिस्तान रेलवे रिसेंटली इसी मयार की जो कोचेज़ हैं वो तैयार करने जा रहा है, तो मैंने कहा कि मैं आवाज़ उठाऊं ताकि पाकिस्तान रेलवे वाले इस्लामाबाद में जब ये कोचेज़ डिज़ाइन करें तो इसे काइंडली थोड़ा सा डी शेप में कर दें, ताकि नीचे अगर फैमिली है ऊपर एक मेल है वाहिद, तो वो किस तरह ऊपर अपना सफ़र करेगा? यहाँ तो वो ऊपर लेट जाएगा, अगर कोई ओल्ड एज इंसान है तो वो दिल घबराता ऊपर, ठीक है, तो यहाँ फिर वो यहाँ पर नीचे खड़ा रहेगा, इसी तरह होगा। तो मुसाफिर कुछ अरसे से कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो यहाँ पर सफ़र कर रहा है वो अपनी ज़ुबान से बोले तो वो उस चीज़ की ज़्यादा मज़ेदारी है, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं विज़िट करता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ, वीडियोज़ देखने वाले शेयर भी करेंगे वीडियोज़, क्योंकि मैं बनाऊँगा इस पर। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का मैंने बहुत रिव्यू किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बस ये जो स्पेस है ये बिल्कुल कम्फर्टेबल है, और सेंटर स्पेस वो फिर भी ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है वो सबसे लास्ट वाली है, फिर भी ठीक है। सही, अगर कोई लंबा है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी। अच्छा, आप इसकी ये बेडिंग के बारे में क्या कह रहे थे? ठीक है, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। ओके जी, शुक्रिया। ये है वो मसला जिस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, और सेम फेयर
इतना हैवी जो फेयर है अगर वो खर्च कर मुसाफिर ऊपर वाली बर्थ पर अगर चला जाएगा तो फेयर तो सेम है, लेकिन ये है कि उसका जो ट्रैवल है वो थोड़ा मसले वाला हो जाएगा, खसूस इकोनॉमी क्लास में इस गर्मी के मौसम में। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, 55 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का लाहौर से डिपार्चर विसल GEU204568। एक घंटा 15 मिनट डिले के साथ 55 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का डिपार्चर विसल हो गया लाहौर से। और उम्मीद है आज वाली जो वीडियो है आप शेयर करेंगे और इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हमने एक्सप्लोर करना है, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले कुछ मंथ्स में पाकिस्तान रेलवे ने जो कोचेस तैयार करनी है तो उसमें ये डी शेप थोड़ी सी दे दी जाए, ताकि जो सर है वो सीधा हो सके पैसेंजर का, ताकि वो एक कंफर्टेबल सफ़र कर सके। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस डिपार्चर बहुत ही खूबसूरती के साथ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो फाइनली दोस्तों, 55 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने स्पीड रफ्ता रफ्ता पकड़ना शुरू कर दी है। एसी पार्लर आज मुकम्मल फुल। उस भाई की ट्रेन निकल गई। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रिव्यू दिया ग्रीन लाइन एक्सप्रेस खसूसी ऊपर वाली बर्थ का, और आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ माह में 150 पहले महल्ले में जो कोचेस तैयार होनी है एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास की तर्ज पर, खसूसी रिक्वेस्ट है उसे थोड़ा सा डी शेप में कर दिया जाए, ताकि सेंटर में एक मुसाफिर अगर बैठे तो उसकी जो गर्दन है, रात के टाइम अगर वो लंबा ट्रैवल कर रहा है तो उसकी थोड़ी सी गर्दन ऊपर होनी चाहिए, इजीली उसे बैठना चाहिए। इस तरह से मुसाफिर नाराज़ होते हैं और नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करते हैं कि हम इस गाड़ी में सफ़र ना करें, अगर करें तो वो लड़ाई झगड़ा होता, नहीं जी मैंने नीचे बैठना, मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, तो वो एक अगर फैमिली हो तो एक जंग का समा बन जाता है। खैर,
वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, इस मसले को मैं उठाता रहूँगा, आपका काम है देखना और इसे शेयर करना। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर पिट्टू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर पिट्टू आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।